हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे हो, बहुत खुश मिजा अंदाज में हो। वेलकम टू माय चैनल। और आज जो मैंने लुक क्रिएट किया हुआ है ना, वो टीनेजर लुक क्रिएट किया हुआ है, क्योंकि मेरे को बहुत सारी रिक्वेस्ट आ रही थी टीनेजर लुक क्रिएट करने की कि दी अपना टीनेजर लुक क्रिएट करके बताओ, दी अपना टीनेजर लुक क्रिएट करके बताओ। तो मैंने सोचा कि चलो ये वाला लुक क्रिएट कर मैं आप लोग को बता देती, क्योंकि मैं सोच भी रही थी कि ये वाला लुक शेयर करना है आप लोगों के साथ, बट अभी करना है ये नहीं सोचा था, करना था ये सोचा था बट इतनी जल्दी करना था ये नहीं सोचा था। चलो कोई ना रिक्वेस्ट आ रही थी तो मैंने कहा आगे ना पीछे तो करना है, तो अभी कर देती हूँ। तो मेरा टीनेजर लुक कैसा लग रहा है मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना। सो चलिए अब हम हो जाते हैं रेडी, यानी कि अब हमें हमारा टीनेजर लुक क्रिएट करना है। तो उसके लिए हम थोड़ा बहुत जो मेकअप है वो कर लेते हैं, और वैसे भी क्या है ना कि यार ज़्यादा मेकअप तो करना नहीं, थोड़ा वोड़ू सा ही करना है, तो वो बता देती हूँ। और यहाँ पर मैं यूज़ कर रही हूँ ममा अर्थ का टर्मरिक एलोवेरा जेल, और मैं इसको डब डब कर अपने पूरे फेस पर लगा लूँगी। फेस के साथ साथ मैं नेक पर भी अच्छे से इसको लगा लूँगी, ताकि मेरा फेस और नेक का जो टोन आए वो इवन टोन आए। और यहाँ पर मैंने लगा लिया, और ये मेरे फेस में अच्छे से ऑब्जर्व हो जाएगा। उसके बाद मैं लगाऊंगी सनस्क्रीन, और सनस्क्रीन लगाने के साथ मतलब मैं इस सनस्क्रीन में ही मिक्स करने वाली हूँ लैक्मे 925 की सीसी क्रीम। ये आलमंड वाला मैं शेड यूज़ कर रही हूँ। आपके फेस के अकॉर्डिंग जो भी आपको शेड सूट करता है ना वो लगा सकते हैं आप लोग। तो यहाँ पर मैं इन दोनों को निकाल लिया, और मैं इसको अच्छे से मिक्स करके लगाऊंगी, क्योंकि मैं ना डायरेक्ट सनस्क्रीन नहीं लगाती, या फिर जो भी कोई क्रीम लगाने वाली होती हूँ ना मैं उसके साथ उसको अच्छे से मिक्स करके लगा लेती हूँ, और फिर अपने फेस पर टैप टैप करके लगा लूँगी। फेस और नेक दोनों पर लगा लूँगी मैं, ताकि मेरा फेस और नेक का टोन जो है वो इवन टोन आए। और इसको मैं हाथों की हेल्प से अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी, और मैंने आज कोई ब्रश वगैरह कुछ यूज़ नहीं कर रही हूँ, तो मैं इसको हाथों से अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी। और देखो ऐसा लग रहा ना कोई मैंने अभी तक मेकअप नहीं किया, जैसा पहला था वैसा का वैसा ही लग रहा, पर थोड़ा सा जो ब्यूटीनेस आता है ना वो आ गया है। और इसके बाद मेरे जो लिप हैं मैं उस पर भी लिप बाम लगा लूँगी। कोई भी लिपस्टिक यूज़ करने से, कोई भी कलर यूज़ करने से पहले ना हमेशा अपने लिप्स को मॉइस्चराइज कर लेना चाहिए। तो उससे क्या होता है ना कि यार अपने लिपस्टिक होती है ना वो मतलब अपन के लिप्स पर हार्म नहीं करती। लिपस्टिक जनरली ज़्यादा यूज़ करोगे ना तो लिप्स को हार्म पहुंचता है, तो नहीं करना चाहिए। और इसके बाद मैं अपनी आंखों पर अप्लाई कर लूँगी आईलाइनर, जो कि मुझे बहुत अच्छा लगता है आईलाइनर लगाना। मैं कभी कभी क्या होता है ना कोई भी मेकअप में करना का छोड़ दूँ, पर मैं आईलाइनर लगाना कभी नहीं छोड़ती, मुझे बहुत अच्छा लगता है आईलाइनर लगाना। सो मेरा आईलाइनर लग चुका है, कैसा लग रहा है आप लोगों को मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता देना। और वैसे भी आप लोगों को तो मेरा आईलाइनर बहुत अच्छा लगता है, आप लोग मुझे बताते रहते हो, उसके लिए थैंक यू। और यहाँ पर अब मैं लगा रही हूँ काजल, हिमालय का मैंने काजल यूज़ किया हुआ है यहाँ पर। और पता आईलाइनर और काजल लगा लो ना तो आंखें मतलब एकदम नशीली वाली होती ना वैसी हो जाती है। तो यहाँ पर मैंने लगा लिया है काजल, और अब मेरी आंखें देखिए कितनी प्यारी लग रही है। और ये लगाने के बाद ना एकदम फेस का जो थोड़ा सा लुक होता है ना वो चेंज हो जाता है। और यहाँ पर अब इसके बाद मैं अपने आईब्रो भी फिल कर लेती हूँ, क्योंकि मैंने पता आईब्रो भी वैसे बनवाया नहीं, बहुत टाइम हो गया मेरे आईब्रो नहीं बने हुए हैं, बट फिर भी मैं थोड़ा सा इनको ऐसे सेट करूँगी ना कि बिल्कुल ऐसा लगेगा ही नहीं आप लोगों को क्योंकि मैंने आईब्रो मेरे बने नहीं हुए हैं। तो मैंने इसमें अच्छे से फिल कर लिया, और इसके बाद मैं लगा लूँगी लिप कलर। तो यहाँ पर मैं ये जो ग्लॉसी लिप है ना वो वाला लगा रही हूँ, मैजिकल वाला है ये मेरे पास, तो ये वो मैंने यूज़ किया हुआ है। और इसके बाद मैं लगाऊंगी लिप कलर, जो मेरा पिंक कलर का शेड आता है, जो कि मेरा ऑल टाइम फेवरेट है, और ये बहुत लॉन्ग लास्टिंग है ना इसलिए भी मेरा फेवरेट। यहाँ पर मैं ऑलमोस्ट रेडी हो चुकी हूँ, और अब बारी आती है मेरी इयररिंग्स की, तो मैं इयररिंग्स भी पहन लेती हूँ, क्योंकि इयररिंग्स के बिना ऐसा होता ना कि थोड़ा सा अगर अपने लुक किया हुआ है थोड़ा सी इयररिंग पहन लो तो अच्छा लुक आ जाता है। तो मैंने इयररिंग भी पहन ली, और अब मेरे बाल जो बंधे हुए हैं तो मैं उनको ओपन कर देती हूँ। तो एक दो मेरे पास हेयर स्टाइल है, मतलब मैं ओपन हेयर भी कर देती हूँ, पोनी वाला भी बता देती हूँ, और दो तीन और की हुई है मैंने, वो भी मैं आपके साथ शेयर कर दूंगी। सो मेरा मेकअप कैसा लग रहा है आप लोगों को आप लोग मुझे बताइएगा, क्योंकि देखो मैंने कुछ भी ऐसा कंसीलर वगैरह फाउंडेशन वगैरह यूज़ नहीं किया, उसके बाद ही मेरा जो मेकअप है ना वो नेचुरल मेकअप लग रहा है। और आप लोग ऐसा मेकअप अगर डेली भी कर सकते हो कोई दिक्कत नहीं, मैं तो पर्सनली बता रही हूँ अपना व्यू कि मैं डेली यही वाला मेकअप फॉलो करती हूँ। सो आप लोगों को मैं कैसी लग रही हूँ आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता दीजिएगा। और मैंने पोनी बना ली, और पोनी के ऊपर ना मैं स्टॉल जो है ना वो भी मैं बांधूंगी, जो कि मेरा ऑल टाइम फेवरेट वाला है। तो आप लोगों को अगर अच्छा लगे तो आप लोग भी ट्राई कीजिएगा। और चलो अब आगे आप लोग देख लो, कुछ दो चार पोजेस है वो आपको बता देती हूँ मैं, देखकर एंजॉय करिए।
आज वाला जो लुक है मेरा टीनेजर लुक है, तो मैंने बिल्कुल थोड़ी थोड़ी चीज़ें यूज़ की। और मैं सारे टीनेजर्स रिक्वेस्ट करूँगी कि अपने फेस पर अभी से आप लोग कुछ ज़्यादा प्रोडक्ट यूज़ ना करो तो अच्छा है, शादी पार्टी की बात कुछ और होती। आज का लुक मेरा कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो ना तो सब लोग अप्लाई करके ज़रूर देखना, फिर मुझे कमेंट सेशन में कमेंट करके बताना कि आप लोगों को अच्छा लगा या बुरा लगा। और देखो यार, शादी पार्टी की बात कुछ और होती कि हम बहुत सारा मेकअप करते हैं, हम कंसीलर भी लगाते हैं, फाउंडेशन भी लगाते हैं, आई शेडो भी लगाते हैं, फेक आई लेसेस भी लगाते, तो उसकी बात कुछ और होती है। शादी पार्टी है तो शादी पार्टी होती है, बट जनरली हम डेली रूटीन में कैसे मेकअप कर सकते हैं तो वो मैंने आपको अपना लुक क्रिएट करके बता दिया है। और कैसा लगा आप लोग मुझे कमेंट सेशन में कमेंट करके बता देना। अगर अच्छा लगा तो एक लाइक कर देना, शेयर कर देना, और चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। बाय बाय, टेक केयर टू ऑल।